इस ब्रिज पर आप भीड़ देखिए, एकदम खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। क्या खूबसूरत नजारा है, एकदम मजेदार। अब एक प्रॉब्लम हो गया है और सारी मेहनत बेकार चली गई। एक्चुअली हुआ है ये कि बात ये नहीं है कि इससे क्या मिलेगा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिंदगी में जो ठान लिया वो करना है, पीछे नहीं हटना, क्योंकि तरक्की सिर्फ उनके ऊपर ही रहम खाती है जो अपने ऊपर बेरहम हो जाते हैं। What a beautiful morning in Chikmagalooru. So, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल हम हैं चिकमंगलूर में। अगर आपने हमारा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो फिर आपको पता ही होगा कि कल हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी पुणे से कुर के लिए। इट वॉज सपोज टू बी अ नॉन स्टॉप 17 आवर्स जर्नी, लेकिन ड्यू टू सम डाइवर्जेंस NH48 रोड पे जो काम चालू है जिसके कारण बहुत सारे डाइवर्जेंस थे, इसीलिए हमको हमारा प्लान एंड मोमेंट पे चेंज करना पड़ा और हम रुके थे कल चिकमंगलूर में। सो अभी हमारा प्लान है कि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस जगह कुर्ग में, लेकिन उसके पहले हमको जाना पड़ेगा फ्रॉम चिकमंगलूर टू कुर्ग। सो अभी डिस्टेंस दिखा रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच कुर्ग? 104। ओके, सो अभी कुर्ग यहाँ से है एक 1.5 घंटे का रास्ता, तो फिर चलिए हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम हमको लेकर जाएंगे निसर्गधामा। निसर्गधामा के बारे में तो बहुत सुना था, तो फिर चलिए जानते हैं उसके बारे में कुछ और आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये वर्चुअल टूर पसंद आए। तो अभी हमने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है और एक्चुअली क्यों ना ले, इतना खूबसूरत व्यू है, मज़ेदार है, खूबसूरत है। तो फिर चलिए आपको जल्दी से उस व्यू को दिखाती हूँ, डू वॉच इट। सो फाइनली वी हैव रीच्ड अ डेस्टिनेशन, दैट इज निसर्गधामा। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया है वे टू निसर्गधामा का। क्या खुशबू आ रही है, ये सारा यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के खाने मिलेंगे, लाइक इडली सांभर या फिर नॉनवेज, जो भी आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है, चलने के लिए भी जगह नहीं है। अभी ये ब्रिज पार करके हमको उस साइड जाना है जहाँ पर निसर्गधामा स्टार्ट होगा। भीड़ देखिए, एकदम स्कैरी वाली फीलिंग आ रही है। सो यहाँ से होता है निसर्गधामा स्टार्ट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्लेस, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यस, देयर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ बेम्बू ट्रीज। देखिए अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हीट जरा सी भी महसूस नहीं हो रही है, एकदम कूल एटमोसफियर है। ये यहाँ पे एक पेड़ भी है जो आई थिंक इट इज सैंडलवुड। चलिए आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। ये यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे आपको कॉटेजेस मिलेंगे और यहाँ पे एक सेपरेट फूड कोर्ट भी है। जब हमने निसर्गधामा में एंटर किया था तब वहाँ पर हमको एक फूड कोर्ट मिला ही था, लेकिन अभी हम ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आए हैं और यहाँ भी इनका एक सेपरेट फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह है, यहाँ पर आपको वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, दिस लुक सो क्यूट। ओके, यहाँ पे आपको वो पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा। ओके, शांतता मिलेगी,
जस्ट लुक एट द देयर समथिंग वेयर। हाँ, यहाँ पे आपको बैठने के लिए बहुत सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ओके, एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी फोटोजेनिक। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया है और सारी हमारी मेहनत बेकार चली गई। एक्चुअली जब हमने इस एरिया में एंटर किया था तब यहाँ पर एक एक्वेरियम था, बहुत बड़ा एक्वेरियम था, और उसके साथ एक बर्ड्स का भी एक एरिया था। ओके, वो हमने आपके लिए सारे फुटेजेस कवर किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कैसे कैमरा से डिलीट हो गए, और ये बहुत निराश वाली बात हो गई। ओके, लेकिन देखेंगे अगर हम उन फुटेजेस को रिकवर कर पाए तो। लेकिन अगर आप निसर्ग धामा आ रहे हो तो फिर आपको वो उनकी वो सेपरेट बर्ड्स वाली एरिया तो ज़रूर देखनी चाहिए। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सारे रियल बर्ड्स हैं वहाँ पे। ओके, एंड इवन द एक्वेरियम, बहुत सारी मछली हैं, बहुत सारे फिशेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। Just have a look at this. This is so nice. Okay, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी सारे डियर्स हैं। Okay, I don't know if it is visible in the camera. कोशिश करूंगी कि आपको वो दिखा सकूं। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Okay, so here it is. We have captured this beautiful deer for you all. So we really hope that you people can watch them right now. अभी मेरे सामने एक है डियर और मेरे राइट साइड में भी हाँ दो तीन डियर्स हैं। तो फिर अभी टाइम हो चुका है, घड़ी पे 3 बज चुके हैं, तो फिर चलिए, वक्त का तो पता ही नहीं चला, तो फिर चलिए यहाँ से निकलते हैं। सो अभी हम रुके हैं यहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए। दिस इज़ कैफ़े स्पेशलिटी स्टोर, ये यहाँ का वेरी फेमस स्टोर है। यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है और उनके नेचुरल फ्रूट जूसेस। तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा भी लिया है और दो जूसेस भी लिए हैं। तो फिर इसी के साथ हम आपके आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म और मिलेंगे अगले व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर।